धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी महेंद्रपाल जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, आप सभी से प्रार्थना है कि पैदल जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठे और जो बहन भाई यहाँ खड़े हैं सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। पूजनीय गुरु जी ईश्वर बता रहे हैं संस्कार के नारा बोल रहे हैं। सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी महेंद्रपाल जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद सतब्रह्मचारी सेवादार दीपन जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं, ऐसे प्रेमी नाशिक वे गम किया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। मस्ती मिलती है जो गाई नहीं जाती, लज्जत जो प्रेम में है वो बताई नहीं जाती, नशा छा जाता है बेगम वो हो जाता है, प्रेम डूबों को न छूटा जब ये बात आए, दुनिया क्या जाने जमा पे परवाने क्यों जल जाते हैं, में जा लुटाते हैं, ऐसे प्रेमी नाशिक बेगम प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। पाने के लिए सब देना पड़ता है, ये बनिए दुकान नहीं ना कोई सौदा चलता है, सब लुटाना पड़ता है दर्द उठाना पड़ता है, प्रेम के मार्ग में सिर कटवाना पड़ता है, सिर कटवाए पैर टिकाए, ऐसा जो करते हैं इन गली चलते हैं, जीते जी मर के दीदार किया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का किया करते हैं। पल का बिछोड़ा जी उन्हें कलयुग लगता है, इश्क हकीकी में यही पल कौड़ा लगता है, रूह कांप उठती है, राग में रोती है,
जो तड़पते हैं उनको पा लेते हैं। वो पल पल गुरु से नजरे जान पिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का दिया करते हैं। सुख दुख की तमीज नहीं उस प्रेमी को होती है, उसके लिए तो सब गुरु की कृपा होती है। सुख में न रोता है, दुख में न खोता है, हर पल सुबह पे गुरु का ही नाम होता है। शाश्वत नाम जी प्रेम का जाम जी, जो भी पी लेता है वो सब भुला देता है। साज कहनी इतना गुरु भी जिया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का जिया करते हैं। ऐसे प्रेमी नशिकवे गुम किया करते हैं, प्रेम पाके जो मुर्शिद का करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा, धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। सतगुरम सर सेवादार दीपन जी का भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी का भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। धन धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म का ले लाभ उठा, मानस जन्म का ले लाभ उठा। प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म का ले लाभ उठा, मानस जन्म का ले लाभ उठा। बताए बरघट में है राह समाए, मालिक है प्रेम और प्रेम है मालिक, मालिक है प्रेम और प्रेम है मालिक। प्रेम को जान पहचान प्रभु पाए, प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म जी। प्रेम के बगैर हुए सब बर्बाद जी, चाहते अगर सुख प्रेम कमाओ, चाहते अगर सुख प्रेम कमाओ। प्रेम जो करे दुख हरे कर जाद जी, प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म का ले लाभ। प्रेम के समान है ना दौलत कोई,
प्रेम कथन पाए भगवाल कोई, बिन भागों से प्रेम न मिलता, बिन भागों से प्रेम न मिलता, पूर्वल भाग जय जात प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म कमाने पर लगते न दाम है, नाम जपना न कोई मुश्किल काम है, शाह सतनाम जी बड़ा समझाया, शाह सतनाम जी बड़ा समझाए, प्रेम कमाना नाम जाना तेरा काम है, प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म का ले मानस जन्म का ले प्रेम कमा नाम दया मानस जन्म का ले मानस जन्म का ले धन्यम सतगुरु तेरा ही धन धन सतगुरु तेरा ही आत्मा नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच गुरु दे प्यार सच्चे सौदे दरबार विच नचदी फिरे हो जिंद गुरु दे प्यार विच नचदी फिरे हो जिंद नचदी फिरे हो जिंद गुरु दे प्यार विच नचदी फिरे हो जिंद गुरु दे प्यार विच गुरु दे प्यार विच सच्चे दरबार विच गुरु दे प्यार विच सच्चे दरबार विच नचदी फिरे नचदी फिरे ओ जिंद गुरु दे प्यार विच नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच सब खुशियां बनिया दुख बन गए ने हासे नूरी मुख तो नजर न मेरी एक पल होवे पासे तेरे पीछे कई लग रहा जावे ना अलग तू ही गुरु तू ही रब मेरा ओ मेरा ओ मेरा इस संसार विच नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच तेरे नाल हुण होर किते ना मिलदे तेरे बिन मैं किस नूं साईयां हाल सुनावां दिल दे तुसी सुन लई मेरी मैं तेरी होगी तेरी मैनू एहो खुशी बथेरी रहां ओ मस्त प्रेम देखा मार विच नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच नचदी फिरे जिंद गुरु दे प्यार विच मैं
ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਗਣ ਹਾਰੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹਵੇਲੀ ਹੋ ਹੋ ਆਖੇ ਚੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨੀ ਪੱਲਾ ਮੌਜਾਂ ਓ ਮੌਜਾਂ ਓ ਮੌਜਾਂ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 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 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ ਫਿਰੇ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮਾਲਿਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਭਜਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਕੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਅਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਆਪ ਕੀ ਨੂਰੇ ਕਿਰਨ ਕਣ ਕਣ ਮੇਂ ਸਮਾਈ ਹੈ ਸਮਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਆਈ ਹੈ ਆਈ ਹੈ ਹਮ ਮੇ ਜੋ ਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਮੇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਜਿਸ ਪੇ ਕੁਮਾਰੀ ਚਾਹੀ ਹੈ ਚਾਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਪਾਕੇ ਸਮਝੀਏ ਬਰਾਬਰ ਆਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਇੱਕ
रग घुट के जाने वो ही प्रेम लजत जिसने पाई है पाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ ये आई है आई है। सच्चा मालिक का जिस जिसने भी पाया सग डकुओं को प्रेम ने भगत है बनाया। प्रेम राई को पर्वत करे पर्वत राई है राई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ ये आई है आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है समाई है। भाई अक्षर प्रेम के जी बड़ पंडित हो जाए छोड़ चतुराई को प्रभु में खो जाए जिस नाम जपाए उसके समझ आई है आई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ आई है आई है। अमृत है आत्मा तक पाए आ जाए जिस कट में पे हम फिक्र मिट जाए। प्रेम से उजड़ी बगिया में बहार छाई है छाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ आई है आई है। आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है समाई है। Thank you.
रौनक रूस है संतों बताया है। रूप प्रभु की अंश है संतों बताया है। किरण प्रभु की प्रेम से देती दिखाई है दिखाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ आई है आई है। सत नाम जी का प्रेम किया वर्ण न जाए जी। दातन दात मीत तेरा किस बेदी से गाए जी। अपकी रहमत से सत की महक पाई है पाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ ये आई है आपकी नूरे किरण कण कण में सुमाई है सुमाई है सुमाई है सुमाई है। धन धन सतगुरु तेरा ही है। अभी आपने सुना प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ आई है। प्रभु का प्रेम पाके ही यह समझाती है कि जीवन जीने का असली मकसद क्या है। संसार में जितने भी जीव हैं सब मारो मार करते घूम रहे हैं। धन दौलत जमीन जायदाद इज्जत शोहरत अपना नाम कमाने के लिए ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार दगाबाजी शायद अल्फाज कम पड़ जाते हैं बुराइयां ज्यादा हैं। तो संसार में बिना गुरु मुर्शिदे कामिल के बिना सदगुरु के ये पता नहीं चलता कि आखिर जीवन का एम क्या है लक्ष्य क्या है हमने किसको साधना है कहां पहुंचना है क्या मंजिल है। एक मंजिल तो निश्चित होती है कि सब इस दुनिया से जाते हैं लेकिन वो मंजिल कब आए राम जाने। पर उस मंजिल आने से पहले पहले जो जीवन है आखिर उसका उद्देश्य क्या है मकसद। क्या सारा दिन आराम परस्ती क्या सारा दिन झूठ मकारी क्या सारा दिन चुगली निंदा क्या सारा दिन कामवासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया क्या सारा दिन दूसरों की बुराई और टांग खिंचाई। तो ये सारा दिन चलता रहता है नहीं ये मकसद नहीं है जीवन का। ये तो आपने बना लिया आप प्रभु की तरफ से प्रभु को पाने के लिए संसार में आए हैं और इस दरमियान विवाह शादी होती है बाल बच्चे होते हैं और आपका फर्ज कर्तव्य बन जाता है कि उनका पालन पोषण करना। सुमन करते रहिए मेहनत हक हलाल की रोजी रोटी खाओ किसी का हक मार के ना छीनो मेहनत की कमाई और साथ में प्रभु की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रभु की चर्चा नहीं तो जीवन के सारे रंग फीके हो जाते हैं आखिर में लेने के देने पड़ते हैं। तो काम धंधा करते रहिए पर साथ में प्रभु का नाम जपो और परमार्थ भी करो सबका भला करना। इंसान को अपना काम आप करना चाहिए। ठीक है मालिक की रहमत होती है नौकर चाकर बहुत कुछ मिल जाता है पर
यहां सदगुरु ने हमें पैदा किया इस खाक को, बापू जी कहा करते हैं, कम से कम चाहे बुजुर्ग अवस्था भी आ जाए, रोटी जितनी तो काम कमाई कर लेनी चाहिए। वास्तविकता है ये नहीं कि आप नौकर चाकर मिले कि पानी पीना ही बंद कर दीजिए, उठना ही बंद कर दें, क्योंकि मसल धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। इंसान को कर्मयोगी तो बना रहना चाहिए, और संसार में सफल वही हुए हैं जिन्होंने आलस्य त्याग के कर्म किया है। चाहे वो राम का नाम लेता है या नहीं, पर दुनियावी सफलता देखे तो भी उनको मिली है जिन्होंने मेहनत की। मेहनत कश इंसान आज दुनिया के टॉप पे बैठे हैं, और आलसी इंसान यहां थे वहीं बैठे हैं। तो इंसान को आलस्य छोड़ के मेहनत करना चाहिए, कर्मयोगी बनना चाहिए, और प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए। कर्मयोगी होना और ज्ञान योगी होना जरूरी है। सो कर्म करते रहो और प्रभु का नाम लेते रहो। प्रभु का नाम लेते लेते, प्रभु का नाम लेते लेते आप अगर कर्म करेंगे तो कर्म में भी सदकर्म आपके हिस्से आएंगे, और कर्मों में भी आपको तरक्की मिलेगी, प्रभु की दया दृष्टि के काबिल बनेंगे। किसी संत पीर फकीर का नाम लेके या किसी महापुरुष या किसी बड़े आदमी की औलाद बता के अगर आप किसी को बुद्धू बनाते हैं तो यकीन मानो आप खाओगे या परिवार को खिलाओगे सबके लिए वो जहर बन जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, अपनी मेहनत की कमाई पे निर्भर हो जाओ। मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाती। साथ में अगर स्मरण किया जाए, और जिनका काम दुनियादारी त्यागी है ये तो गृहस्थियों के लिए था, जो दुनियादारी त्याग के आए हैं गृहस्थी त्याग दी है, सद्ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए सुबह उठे सुमरण करें, सेवा पे लगें, खाएं पिएं, लेकिन सभी को चाहिए चाहे गृहस्थी चाहे त्यागी, खाने पीने से पहले प्रभु का नाम जरूर लिया करें, चाहे आधा मिनट चाहे कुछ सेकंड। वो खाना पीना भी अमृत के समान बन जाता है। और ऐसा खाना ना खाएं त्यागी जो उत्तेजित हो, क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं लगती। कई त्यागी भी ऐसे हैं उनको अभी से क्यों किंतु परंतु उनका मन करना शुरू कर देगा, जैसे हम बोलते जा रहे हैं ऐसे कैसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, फला होगा। तो ऐसे लोग ज्यादा देर रहते नहीं, ये भी सच है। हम देख रहे हैं उनको खिसकते हुए जो नहीं मानते। त्यागी तभी हैं अगर आप वास्तव में त्याग करते हैं, और अगर आप वास्तव में त्याग करते हैं तो दोनों जहान में आप जैसी जिंदगी कहीं भी नहीं है। जो मालिक के लिए सब कुछ त्याग दे, सुमरण करे, सेवा करे और गंदगी की तरफ ध्यान ना दे। ये प्रवाजी ने अपने भजन में फरमाया है, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा, इतनी मिट्टी होके रहना पैंदा शानदा की कम। बस इसी में सब कुछ छुपाया है। मान बड़ाई, जरा किसी ने हाथ लगा दिया, करंट ना मारो, हाथ ही लगा है, कोई बिजली की तार नहीं लगा दी। किसी ने कह दिया जरा गर्दन इधर कर ले, कोड़ किरले की तरह छिपकली की तरह गर्दन अकड़ाओ ना कि मैं तो यहीं रखूंगा, हटा के दिखा, क्या पता मालिक वहीं रुक दे तो। ऐसा ना हो, पर फिर क्या करोगे अगर ऐसी रहेगी तो अच्छा है। त्यागी वो होता है जो अपना सुख त्याग के दूसरों को देता है, ये नहीं कि दूसरों का सुख छीन के खुद ले लेता है। तो हम तो त्यागी की परिभाषा बता रहे हैं, बुरा ना मान जाए कोई त्यागी तो बस कहें जी हम पे तवा लगा दिया। तवा तो सब पे लगता है जिनके अंदर बुराइयां हैं, चाहे सामने कोई संतों के बैठा हो, बताएंगे तो सबको अच्छा नहीं लगता तो मत बैठो, नहीं तो सुनना है तो फिर सबके लिए होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी जिंदगी तो कहीं भी नहीं। भीष्म पितामह बड़ा मशहूर हुआ, उसने अपने बाप के लिए त्याग किया, और आज त्यागी जो है सच्चा त्यागी बन जाता है तो वो ओम हरि अल्लाह राम के लिए त्याग करता है, जो उनसे भी कई गुना बढ़ चढ़ के, भीष्म पितामह से भी बढ़ चढ़ के बात है, तो छोटी बात नहीं है। पदवी तो कितनी बड़ी दे रहे हैं, पर क्या सभी पदवी के लायक है ये तो राम जाने, क्योंकि अगर ऐसा खोलने बैठ गए गड़बड़ हो जाती है। पर ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है, ये आपको जरूर बताएंगे, काबिल हैं, और काबिलों में नाकाबिल भी हुआ करते हैं।
पर ये नहीं कि नाकाबिल हमेशा नाकाबिल रहते हैं, संतों के गुरु का क्या पता कब विश्वास आ जाए और वो भी काबिल बन जाए। इसलिए चाहे कोई गृहस्थी है चाहे कोई त्यागी है, संतों के वचन सहज सुभा सुना करो, चिड़चिड़ा हटना पैदा किया करो, मन के लिए पूंछ ना मुरोड़ा करो। संतों ने वचन कह दिया उसे सहज लो, आसानी से लो और उस पे अमल करो, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार जरूर बन जाओगे। यही भजन शब्द में आया था जी कि मालिक तेरा प्यार पाके समझाती है खुशियां क्या हैं, अन्यथा कुछ पता नहीं चलता। पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं राहुल इंसान, बात करो बेटे। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। पिताजी मैं आप जी का बेटा राहुल इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। बोलो पिताजी, आप जी को पावन जन्म महीने अगस्त की लाख लाख बधाई हो जी। बेटा आपको मालूम है अपने तो नवंबर और जनवरी ही मनाते हैं, सत्संग मनाती है, आपको आशीर्वाद बेटा। पिताजी हम मेलबर्न, मैं और मजीद पिताजी मेलबर्न से पर्थ मूव हुए हैं पिताजी, जॉब के लिए मेयर करना पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद। तो पिताजी घर पे इंडिया में भी परिवार मजलिस सुन रहा है पिताजी, उनपे भी मेयर करना जी। जी उनको भी आशीर्वाद बेटा। तो पिताजी आपकी सीडी देखी थी पिताजी, उसमें जो आप शाही परिवार के साथ रेगिस्तान में जा रहे हो पिताजी, उसमें आपने अरेबियन ड्रेस डाली हुई है पिताजी, इतने सुंदर लग रहे हो पिताजी, बस बता नहीं सकते पिताजी। बस आपको अच्छा लगा बेटा, बेपरवाजी इसलिए बनवाते हैं पिताजी। बहुत इसमें म्यूजिक पिताजी मौला रे मौला वाले सबल पिताजी, बहुत ही कमाल का म्यूजिक दिया हुआ पिताजी जी। पिताजी कोई म्यूजिशियन और ये लोग तो पिताजी कहीं भी आपके पिताजी रीस करना है तो क्या पिताजी, अगर सपने में भी सोचे ना पिताजी तो भी नहीं आप जैसा गा सकते। बस बेटा बेपरवाजी ख्याल देते हैं सबको, बच्चे जो म्यूजिक बनाते हैं उनको भी और हमें भी वही चलाते हैं, सब कुछ उन्हीं का रहमो करम है बेटा। और पिताजी बस बिना दूसरा आके पिताजी आप जी के सारे वचन मानते हुए चरणों में और मिल जाए पिताजी, मेहर करना जी बेटा आशीर्वाद। और पिताजी मनजीत बात, मनजीत इनसे बात करना चाहता है पिताजी जी। और पिताजी बाकी हमारे यहाँ पे सारे बैठे हुए राजेंद्र इंसान जी और ये हमारे बहरूपिया इंसान जी, पिताजी स्पेशली काफी देर से पीछे से मोड़ा लगा लगा के बोले जा रहे हैं पिताजी, मेरे ही पिताजी के सामने हाजिरी लगवा दो जी। हाँ हाँ बेटा सब लोग बैठे नजर आ रहे हैं आशीर्वाद। और पिताजी राजेंद्र जी हैं यहाँ बंगीता, इन्होंने पिताजी नई गाड़ी ली है, उसकी चाबी पे दृष्टि दिलवाना चाहते हैं जी। बेटा चाबी नजर आ रही है आशीर्वाद, आपके लिए सुख देने वाली, आराम से चलाइएगा, देखभाल के चलाइएगा। ठीक है पिताजी। पिताजी मनजीत इंसान पिताजी बात करना चाहते हैं जी। बात कर ली सही धन धन सतगुरु तेरे आसरे ही जी। पिताजी आप जी का बेटा मनजीत इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। बोलो पिताजी आप जी को और सारी साथ संगत को अगस्त महीने की लगभग बधाई हो जी। जी पिताजी हम घर पर भाई जी ने एक शोरूम खोला कर रहे हो आपकी दया मेरे से ही, ये ऐसी दया मेरे बनाए रखना जी। जी बेटा आशीर्वाद। पहाड़ी ने कुछ क्षेत्र में खोला जी। सही बस यही अरदास है कि आपके चरणों में हमारी ओर निभ जाएगी जी। बेटा आशीर्वाद। सही कोई वचन न टूटे और जी 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 कोई वचन न टूटना मार से ऐसी मेयर करना जी, आपके चरणों में ओढ़ने की आएगी जी। बेटा बस मालिक से दुआ करते हैं, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद बेटा। प्रसाद बनाया जी, दृष्टि दिलवानी है जी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रसाद बन गया, सारे ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। शब्द लगाना है अगर आपकी आज्ञा हो तो जी। छोटा है तो लगा दो बेटा जी। हाँ जी बिजली दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।
हैप्पी बर्थडे टू यू पिता जी, नच नच गावे साडी रूह पिता जी, साख देव तुसी सानू किन्ना है जादी, मुबारकां मुबारकां करो सोने दादी, मुबारकां मुबारकां कबूल करो बेपर बाकी, मुबारकां ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਚੈਨ ਚਾਹਵਾ ਸੱਤੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਚੈਨ ਚਾਹੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਸੁਮਨ ਕੀਜੀਏ, ਮਾਲਕ ਕੀ ਨੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਸੁਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਲਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ, ਐਸੀ ਕੁਛ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਸੁਮਨ ਕਰੋ, ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਨੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨੋ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮੇ ਦਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗ੍ਰੇਸੀ ਪਾਲੀਵਲ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਵੀ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਬੁਧਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਕ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਬਦਲ ਪਰ ਚਲਤੀ ਹੂੰ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਨੂੰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਨੋ, ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹੈ ਬਰਗਾਮੋ ਇਟਲੀ ਸੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੀ ਗਿਰਨੇ ਸੇ ਬਲਵਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ 12 ਭਾਈ ਦੋ ਬਹਿਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਨਾਰਾ ਬੋਲੋ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਮੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਸਰਸਾ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਨਮ ਮਹੀਨੇ ਅਗਸਤ ਮੇ ਨਗਰ ਮੇ ਮਜਲਿਸ ਕੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੇਂਗੇ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੀਜੀਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੀਜੀਏ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਮੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਯਹਾਂ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਐਡਮ ਬਲੋ ਕੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 6 ਮੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਘਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, 3/25 ਮੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਦਿਨ ਮੇ 12 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਨ, ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੇ 5 ਸਦਸਯ, 7 ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿਣਾ, ਘਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਕੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਨ ਸਤਸੰਗ ਕਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬੇਟਾ। ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੀਜੀਏ, ਦਵਾਈ ਆਪਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਡਾਕਟਰੋਂ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਵਹੀਂ ਸੇ ਲੀਜੀਏ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਯਾ 3 ਹਾਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੁੜੀ ਸੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਮਾਨਤੇ ਲਾਖੋਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਣਾ ਆਪਣੇ। ਬਾਕੀ ਆਗੇ ਹੈ ਜੀ, 3 ਵਚਨੋਂ ਮੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨਸੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ, 3 ਪਰਹੇਜ਼ੋਂ ਮੇ ਜਿਨਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕੀ ਅਨਜਾਣੇ ਮੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੀਜੀਏ, ਉਨ ਸਭਕੋ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਫਲੇ ਕੀ ਗਾਡੀ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਆਸ਼ਰਮ ਮੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਆ, ਸੇਵਾ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਦੇ ਦੀਆ, ਨਸ਼ਾ
छोड़ने का प्रसाद लेकर दोबारा नशा किया, बच्चे की बीमारी खुद पर मांगने से बीमारी लग गई। नारा लगा दीजिए और चोरी का छोड़ दीजिए भाई, बुरी चीज है और माफ है, मालिक करने वाले हैं। भूत प्रेत जो कहते हैं हमारे अंदर, भूत प्रेत ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल है, मैनू कसर हुंदी हो जो कहता है, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और चुपचाप खड़े रहना है, बोलना नहीं, आराम से अपनी जगह पे खड़े रहना है। आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद, और नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत प्रेत रह सकता है, जल्दी बैठो, जल्दी बैठ जाओ तो आपके भूत प्रेत ऊपरी पर आई जिन चुड़ैल भरम भूत भगा दिए हैं, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर, बीमारी वाला पछा लेना और दवाई ले लेना, सुमग्र की दवाई लेना, कोई भूत बात नहीं। सुबह 6 से रात के 8 बजे तक और सर से राज्य सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से न बाजे। 3 भाई बहनों ने दीनदुखी के माध्यम बैंक में पैसा जमा करवाया जी, महाशिव लीली की बरसी पर नई फैक्ट्री लगाई, नाम रखवाना है, ऐप रख लो जी, पोते का जन्मदिन है, सबको आशीर्वाद, खड़े हो जाए। तो जिन्होंने आज दीनदुखी के माध्यम बैंक में पैसा जमा करवाया, आपके परिवारों में खुशियां आए, आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में सुख शांति, मालिक बख्शे, सबको आशीर्वाद, बैठ जाइए, आशीर्वाद आशीर्वाद। चोला छोड़ने वाले परिवार आए हैं जी, लालड़ू मोहाली से, इनके माता ने चोला छोड़ा नाम लिया, तो 95 साल भाइयों की तरफ आए, दिंदु के मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। तो जिसने नाम लिया होता बेटा, वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के नीचे नाम सचखंड सतलोक का नाम जरूर जाती है। अस्थियां लेके आए हो, फूल लेके आए, तो कहीं भी बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो, या फिर खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खुद के वहां दबा दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को जो मालिक ने धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लीजिए, जख्म देता मरहम भी उसी के पास है, मालिक आपको ताकत दे, शांति दे, प्रसाद ले लें, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइएगा। युद्ध वीरांगने बहनों ने नशे, भ्रूण हत्या, वैश्यवर्ती समलैंगिकता के खिलाफ तथा किन्नरों के उत्थान के लिए पिछले 2 दिन में पिंजौर, पंचकुला और धनौरा महाराष्ट्र, मझोली मध्य प्रदेश में 14 रैलियां निकाली हैं जी। पिंजौर में पार्षद ने कहा कि ये काफी प्रशंसा योग्य कार्य है, हम आपके साथ हैं, हर युवा को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये सभी बुराइयां देश को खोखला कर रही हैं, जैसे ये संस्था काम कर रही है ऐसी कोई संस्था काम नहीं करती, हमें पूरी उम्मीद है कि ये देश का नया रूप लेकर आएगी। पिंजौर की बहनें लाइव मजलिस सुन रही हैं जी, वेब कैम पर नहीं है जी। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना, आपके आसपास जो भी प्रसाद है खा लेना, प्रसाद बन गया, आशीर्वाद बेटा और शाबाश, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। तो साथ संगत में अगर कोई प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी लेके आए, बैठे बैठे ऊपर कर लो, तो सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, प्रसाद बन गया, सारे परिवार में देना, मालिक खुशियां बख्शे, नीचे कर लो आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनोक शाम दिन कहते हैं मोस्ट वेलकम, बस थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का तो समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का तो जैसे सेवादर भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी।